सत्य की राह पर चल, इससे क्या होगा वो अभी इससे आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन गौर। सत्य की राह पर चल, समस्या बहुत आएंगे। सत्य की राह पर चल, समस्या बहुत आएंगे। सत्य की राह पर चल, परेशानियां भी बहुत आएंगी। ये शुरुआत में जो हम काम करते हैं तब के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई भी शुरुआत हम कार्य को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास परेशानियां बहुत आती हैं, समस्या बहुत आती हैं। सत्य की राह पर चल, ठोकरें बहुत खाएगा। सत्य की राह पर चल, ठोकरें बहुत खाएगा। सत्य की राह पर चल, बुराइयां बहुत आएंगी। बुराइयां भी बहुत आती हैं, हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो बुराइयां भी बहुत आएंगी। बस तू सत्य की राह पर चल, दूसरों की सुननी भी पड़ेगी, भूखा भी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको दूसरों की सुनना भी पड़ेगा और भूखा भी रहना पड़ेगा। बस तू सत्य की राह पर चल, यदि आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो आपको भूखा भी रहना पड़ेगा और दूसरों की सुननी भी पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, सत्य की राह पर चलना है। मतलब कोई भी काम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, जैसे कि हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो दूसरे के ऑफिस में कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन वही ऑफिस जब हमारा हो जाता है तो हम वहाँ के मालिक बन जाते हैं। तो वही है कि बस तू सत्य की राह पर चल। अब क्या होने वाला है, कुछ समय खत्म हो जाएगा, कुछ समय जब बीत जाएगा, जब आप थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद समस्या खत्म हो जाएंगी। समस्या खत्म हो जाएगी, बस तू सत्य की राह पर चल। बंदे, परेशानियां दूर भाग जाएंगी, परेशानियां दूर भाग जाएंगी, परेशानियां दूर भाग जाएगी, बस तू सत्य की राह पर चल। ठोकरें खाकर तू मजबूत बनता जाएगा, ठोकरें खाकर तू मजबूत बनता जाएगा, बस तू सत्य की राह पर चल, बस तू सत्य की राह पर चल। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद जो आपकी बुराइयां हैं वो आपकी अच्छाइयां में बदल जाएंगी। कुछ समय बाद बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाएगी, बस तू सत्य की राह पर चल। थोड़ा और रुक, मतलब अपने काम में थोड़ा सा चलते चलते थोड़ा रुक, थोड़ा और रुक जा बंदे, लोग तुझे सुनने को तरसेंगे। थोड़ा और रुक जा बंदे, लोग तुझे सुनने को तरसेंगे। भूख भाग जाएगी, जहां पर आप भूख से तड़प रहे थे वो आपकी भूख भाग जाएगी और 56 भोग बन जाएगा। जो आपका भोग है वो आपका 56 भोग बन जाएगा। बस तू सत्य की राह पर चल, तू सत्य की राह पर चल, तुझे जमाना पूजेगा। कोई व्यक्ति जब बचपन में शुरुआत होती है तो क्या कोई पूजने लगते, नहीं, वो कुछ अच्छे काम करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, फिर उसको उनको जमाना पूजने लगता है। बस तू सत्य की राह पर चल, तुझको जमाना पूजेगा, तुझको जमाना पूजेगा, बस तू सत्य की राह पर चल। दोस्तों, अपनी ईमानदारी से अपने काम करते रहिए, यही सत्य की राह है। और कोई भी जो काम है उसको पूरी ईमानदारी से, मतलब आप समझ जाएंगे बेईमानी चोरी ये छोड़कर ईमानदारी से काम करना। यदि सत्य की राह पर नहीं चलेंगे तो ऊपर जो समस्या थी वो सब आएंगी आपको, और आप समस्या आएंगी सत्य की राह पर चलेंगे तो उनको खत्म करना है। तो चलते रहना, सत्य की राह पर चलते रहना है, चलते रहना है। वो नीचे आके धीरे थोड़े समय के बाद बंदे वो सब समाप्त हो जाएगी। बस तू सत्य की राह पर चल। जय हिंद।